वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई पैरामेडिकल भर्ती लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो वो भी है इस चैनल को जो है जुड़ सकें और यहाँ पर पैरामेडिकल भर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों ये जो वैकेंसी आपके उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से आई हुई है और ये जो वैकेंसी आपके एक्सरे टेक्नीशियन की हैं, रिक्त पद जो है आपके यहाँ पर 70 दे रखे हैं, देख सकते हो। एक्सरे टेक्नीशियन रिक्त पदों की संख्या जो है 70 है। बैकलॉग सहित सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा 2021। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर यह ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इच्छुक अभ्यर्थी जो बोर्ड की वेबसाइट से उपलब्ध लिंक के माध्यम से निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है यहाँ पर 14 मई दे रखी है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 16 मई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 14 जून रात्रि 11:59 तक है, ठीक है। आवेदन शुल्क जो है नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो है जमा करा सकते हैं आप, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है 14 जून रात्रि 11:59 है। पदों का विवरण जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है 70 सीटों का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें वेतनमान जो है 54,900 लेकर 1,92,400 रुपये रहने वाले लेवल 7 के अकॉर्डिंग एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट का, जिसमें अनुसूचित जाति की 23 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 5 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है 10 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो है 7 सीट है और सामान्य अनारक्षित की जो है 25 सीट है। कुल सीट हो जाती है यहाँ पर 37। आरक्षण का विवरण जो है निम्नानुसार है यहाँ पर दे रखा है, आरक्षण कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, देख लीजिए आप। अगर इनमें से जैसे कि मान लीजिए अनारक्षित वर्ग में जैसे कि महिला की सीट खाली रह जाती है, ठीक है, या एसटी की सीट खाली रह जाती है, तो वो एसटी से एससी से ओबीसी से किसी से भी भर सकते हैं, ठीक है। वेतनमान जैसे कि मैंने आपको बताया 54,900 लेकर 1,92,000। पद का स्वरूप जो है राजपत्रित है, पेंशन युक्त है, अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षणिक अर्हता या अधिमान अर्हता जो है एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण के योग्य एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा अथवा डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा डिग्री हो। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।